नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार 9 जुलाई। सबसे पहले वेबिनार अपडेट। कल के सेशन में हम कमोडिटी रेशियो और कमोडिटी सीजनलिटी के ऊपर एक वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। 10 जुलाई 1 बजे जूम प्लेटफॉर्म पे ये वेबिनार का आयोजन होगा। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी कमोडिटी है जो रेशियो के बेस पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं और जुलाई मंथ के लिए पता कर सकते हैं कि कौन सी कमोडिटी है जो आउट परफॉर्म करने वाली है। साथ में हम सीजनलिटी देखेंगे क्योंकि कमोडिटी के अंदर सीजनलिटी का महत्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली हम देखते हैं, चाहे सोने की बात करें चाहे एग्री कमोडिटी की बात करें, पर्टिकुलर कुछ टाइम या कुछ समय ऐसा होता है जहाँ पर डिमांड ज़्यादा रहती है या कोई न्यूज़ है जो सीजनल इन नेचर है। जैसे हम अगर बरसात की भी बात करें तो हम जानते हैं कि रेगुलर एक पीरियड पे ही आती है। अब उसका इम्पैक्ट पिछले 8 सालों में कैसा रहा है, उसके जजमेंट पे हम हमारा इस साल का व्यू या ये महीने का व्यू बना सकते हैं। तो इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कल 10 जुलाई 1 बजे जूम प्लेटफॉर्म पे कमोडिटी रेशियो और कमोडिटी सीजनलिटी पे हम वेबिनार करेंगे। कल के सेशन में एमसीएक्स बुलडेक्स की अगर बात करें तो दिन के सेशन में तो मार्केट सपोर्टिव था। फेड पॉलिसी मेकिंग की जो कमेटी की अपडेट आया, जो कहीं ना कहीं इन लाइन ही थी क्योंकि अभी तक क्लियर सिग्नल नहीं है। एक तरफ हम देख रहे हैं इकोनॉमिकल डेटा कुछ अच्छे भी आ रहे हैं और कुछ खराब भी। कल हमने देखा अनएम्प्लॉयमेंट की जो डेटा थे वो काफ़ी बढ़कर आया था, जिसकी वजह से सेंटिमेंट थोड़े खराब भी हुए। डॉलर इंडेक्स भी बड़ी तेजी नहीं कर पा रहा और बॉन्ड यील्ड में जो गिरावट है ये कहीं ना कहीं सोने चांदी और एमसीएक्स बुलटेक को सपोर्ट भी कर रहा है। इंटरनेशनल में भी हमने देखा $1800 के ऊपर गोल्ड ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज मार्केट में हमने देखा कि 14640 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, प्राइजेस बिल्कुल उसको होल्ड करके चल रहा है। आज के सेशन में थोड़ा भी पुलबैक 16600 के करीब मिलता है, एमसीएक्स बुलटेक्स लेके चलिए 14720 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। कल सोने और चांदी में भी हमने दिन के स्तर में काफ़ी अच्छी तेजी देखी बट हायर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाए और प्राइजेस 48200 का लेवल नहीं तोड़ने की वजह से 47721 पे जाकर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल आज का रेंज भी 47500 से लेके 48200 के बीच में रहेगा, बाय ऑन ड्रॉप की स्ट्रेटजी अपना के चलिए। वहीं चांदी भी 68000 से 70000 के बीच में ही ट्रेड करेगी, 68500 के करीब मिले वहाँ पे लेके काम कीजिए। क्रूड में कल लोअर लेवल से हमने थोड़ा बाउंस आते हुए देखा, जिस दिन से गैसोलीन का स्टॉक में फॉल आया है बट कहीं ना कहीं अपसाइड काफ़ी कैप लग रहा है। दिन में तेजी रह सकती है, जो 5500 के करीब जाने पे बिकवाली की जा सकती है, कोई टेक्निकल बाउंस है जो डाउन साइड में वापस 5420 तक का लेवल दिखा देगा। तो दिन में क्रूड में तेजी रहेगी। नेचुरल गैस में भी इन्वेंट्री का डेटा आया है, उसके बाद हमने 3% की अच्छी तेजी देखी है और इस बार का जो रिबाउंड है वो स्ट्रांग रिबाउंड है। तो 278 के टारगेट के लिए नेचुरल गैस को लिया जा सकता है। पूरे बेस मेटल में हमने देखा चाइना ने जिस ढंग से लैंडिंग रेट्स के अंदर लोअरिंग की है, जिसके बाद पूरे बेस मेटल में हमने एक बड़ी गिरावट देखी है। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि वेदर वो प्राइजेस होल्ड कर पाते हैं या नहीं। कॉपर 720 का लेवल जब तक मेंटेन है, प्राइजेस 718 से लेकर 728 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जिंक ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई रहा है, 240 के ऊपर तोड़ने पे 244 तक का लेवल। निकल जब तक 1390 के ऊपर नहीं निकलता एक दायरा मेंटेन रहेगा। एल्यूमिनियम लेड में भी आज लोअर लेवल पे हमें बाइंग करके चलना चाहिए। साथ में हमने देखा चाइना का स्टेट काउंसिल ने अथॉरिटी ने जो आरआर रेट को इम्पैक्ट किया है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी को आगे जाके सपोर्ट ही करेगा। तो इन ऑल हमें लगता है बेस मेटल बाय ऑन ड्रॉप रखिए। आज एलएमई पे भी अगर हम बात करें तो कॉपर जिंक निकल सभी में हमने एक अच्छी खासी पुलबैक आते हुए देखी है लैंड को छोड़कर, जिसकी वजह से आज डोमेस्टिक मार्केट पे रुपए में एमसीएक्स पे कॉपर बेस मेटल सब में तेजी का रुख रहेगा। गोल्ड $1800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो 1812 का लेवल तोड़ने पे 1820 तक का लेवल दिखा सकता है। चांदी 2620 का लेवल तोड़ने पे 2680 तक का लेवल दिखा सकता है। विक्स में बढ़ोतरी है जिसके चलते इक्विटी मार्केट में आज गिरावट रहेगा। डॉलर इंडेक्स 9240 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। डेटा पॉइंट की बात करें तो आज यूएस से होलसेल इन्वेंट्री का डेटा रहेगा, फेड मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट रहेगी और G20 की मीटिंग रहेगी। जापान में हमने इमरजेंसी लगते हुए देखा जिसकी वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। आज एमसीएक्स बुलटेक्स 14600 के करीब लेके चलिए, 14800 का ओवरऑल टारगेट रहेगा। गोल्ड में भी 47650 के करीब लेके चलिए, 47900 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। क्रूड में आज 5480 से लेके 5500 के करीब का जंप मिलता है, उस जंप पे हम फिर से बिकवाली करेंगे बट आज दिन का ट्रेंड पूरा पॉजिटिव रहेगा। एल्यूमिनियम में भी 195 के सपोर्ट से मार्केट पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, जो 198 तक का लेवल दिखा